welcome you everyone in the name of Jesus Christ. Yes, you see, in the name of myself, I am Ambedkar. So, Mighty, today we have very less time. हो सकता आज बहुत कम वक्त हो बट ओनली वन वर्ड ऑफ द गॉड इज एनफ टू चेंज योर लाइफ लेकिन खुदा के कलाम का एक लफ्ज जो है वो आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकता है वन वर्ड इज मोर देन एनफ टू ब्रिंग द ब्लेसिंग इन योर लाइफ एक लफ्ज काफी आपकी जिंदगी के अंदर बरकत लाने के लिए टुडे एज़ ए क्रिश्चियंस लाइक वी हैव टू लर्न समथिंग अबाउट इट आज बसीयत मसीही हमने कुछ खुदा के कलाम से सीखना है इवन वी आर द क्रिश्चियंस वी हैव टू बी चूज सम चॉइस इन योर लाइफ और बैसीयत मसीही होते हुए हम जिंदगी में जो है वो कुछ चीजों का चुनाव करते हैं सो वी एस ए क्रिश्चियंस एस ए बिलीवर्स वी हैव द ट्रू वे टू चूज और बैसीयत मसीही और बैसीयत सच्चे होते हुए हमें सही रास्ते का तय करना है योशुआ 24:15 यशुआ जो है उसका 24 बाब और उसकी 15 में लिखा है योशुआ चूज द वे यशुआ ने जो है एक रास्ता चुना है ही चूज द वे टू सर्व द लॉर्ड उसने वो रास्ता चुना है कि वो खुदा की खिदमत कर सके स्पेशली द इसराइल पीपल खासतौर पर जो इसराइल के लोग थे फॉर ए लिटिल टाइम दे सर्व द गॉड और थोड़े अरसे के लिए वो खुदा की खिदमत करते थे आफ्टर गेटिंग द कंफर्टेबल लाइफ अगेन दे चेंज्ड द लाइफ टू द और जब उनकी जिंदगी के अंदर आराम तलबी आ जाती थी कुछ ना कुछ हासिल करते फिर वो अपने राह से फिर जाते थे सो द इसराइल पीपल दे हैव द कैरेक्टर लाइक दैट इस तरह जो इसराइल कौम का जो करदार था इस तरह का था दैट इज व्हाई योशुआ सेड टू द पीपल इसलिए यशुआ लोगों से कहता है आई एम द वन गोइंग टू चूज द वे मैं वो हूं जो रास्ते को चुनूंगा आई एम द वन चूज द वे टू सर्व द लॉर्ड और मैं उस रास्ते को चुनूंगा कि मैं खुदा की खिदमत कर सकूं बट व्हाट द डिसीजन यू वांट टू टेक आज क्या फैसला आप लेना चाहते हैं ही आस्क्ड विथ द इजराइल पीपल उसने इसराइलियों से पूछा व्हाट काइंड ऑफ द चॉइसेस यू वांट टू टेक इन योर लाइफ किस तरह का आप चॉइस चाहते हो कौन सा रास्ता आप चुनना चाहते हो बट व्हेन ही सेड टू द पीपल लेकिन जब उसने लोगों से ऐसा कहा ही सेड वन मोर ऑर्डर टू देम एक और हुक्म उसने उनके लिए जारी किया यू कैन चूज द लॉर्ड आप खुदा को चुन लो यू कैन चूज यूर लविंग ट्रूली लविंग गॉड और आपसे खुदा को सच्ची मोहब्बत से आप चुन लो बट यू कैनॉट चूज सच ए कंडीशन लेकिन उसके लिए कोई शर्त नहीं है the some of the people they follow the other gods कुछ लोग हैं जो दूसरे खुदाओं को मानते हैं so whatever they way want they can go और जो रास्ता उन्हें चाहिए वो चले जाते हैं देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन देयर वे उस उनके रास्ते में कोई पाबंदी नहीं होती योशुआ सेड टू द पीपल लेकिन यशुआ लोगों से कहता है माय गॉड इज द गॉड ऑफ जेलस जो मेरा खुदा है वो हसद करने वाला खुदा है ही इज द गॉड ऑफ द होली थिंग्स जो खुदा है वो मुकद्दस खुदा है सो यू कैनॉट चूज ए सच ए कंडीशन टू फॉलो द गॉड इस तरह की कोई शर्त आपके लिए नहीं होनी चाहिए कि आप खुदा को चुने देयर इज नो वे यू कैन गो दिस डायरेक्शन ऑल्सो यू कैन गो दैट डायरेक्शन आपके पास दो ही रास्ते हैं आप ये रास्ता चुने या वो रास्ता चुने बट यू हैव द लेकिन हमारे दिल की गहराई से वी हैव सम आइडल वर्शिप आल्सो हमारे अंदर कुछ बुत परस्ती भी होती है जस्ट टू गिव द मोर सम प्रेफरेंस टू द अदर वे आल्सो और हम दूसरे रास्तों को ज्यादा अपनी जिंदगी में जो दर्जा देते हैं वी वांट द We want the way of the worldly thing also. हम दुनिया के रास्तों का भी चुनाव कर लेते हैं We want to follow the Jesus Christ और हम खुदा यूसुफ सी के पीछे चलने के लिए भी God clearly said to us, खुदा हमसे क्लियरली कहता है It is not possible. ऐसा मुमकिन नहीं है If you want to follow my direction, अगर आप मेरे पीछे आना चाहते हैं मेरे समझ चुनना चाहते हैं You can choose the way of the Jesus Christ. तो फिर आपको यूसुफ सी का रास्ता चुनना पड़ेगा So you cannot go to the other direction. आप फिर वो दूसरी तरफ नहीं जा सकते You can go and enjoy the worldly life. आप दुनिया के अंदर जाकर मजे नहीं कर सकते But you want to, you can take the only one choice in your life. आपको सिर्फ एक ही आपके पास चॉइस है जिंदगी में रहने So such a way God wanted to speak to you. इस तरह का रास्ता इस तरह का खुदा आपसे चाहता है You have the only one way to walk. आपको एक रास्ता जिसपे आपको चलना होगा योशुआ डिसाइडेड टू चूज द वे ऑफ द गॉड यशुआ ने जो चूज किया जो सिलेक्ट किया जो चुन लिया वो खुदा का रास्ता था टुडे As a believers, what choice you want to take? आज बहसियत ईमानदार बहसियत विश्वासी आपको कौन सा रास्ता Even God doesn't want to give the compulsions. खुदा जो है वो कोई भी आपके बारे में जो है वो कोई परेशानी नहीं रखना चाहता There are two way you can choose from your heart. और दो रास्ते हैं उनमें से अपने दिल से आपने एक ही रास्ता चुनना है God doesn't want to control your mind. खुदा आपके जहन को काबू में नहीं रखना चाहता So just imagine. आप तसव्वुर करें वन ऑफ द बॉय ही फॉल इन लव विद द वन गर्ल और एक जो है एक शख्स जो है वो किसी लड़की के साथ वो मोहब्बत करता है ऑन द टाइम ऑफ द प्रपोजिंग द लव टू द गर्ल और उस वक्त जब लड़की को जो प्रपोज करता है बॉय टुक द गन ऑन हर फोरहेड और वो आता है और आकर जो पिस्तौल है उसके सर पे रख देता है सो टेल मी आई वॉन्ट टू लव यू और कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं टेल मी द आंसर यस आर नो और मुझे जवाब दे हाँ या ना सो द गर्ल हैज टू बी टेल ओनली द यस
और फिर उस वक्त लड़की सिर्फ कहती है हाँ, might be the girl comes to know if I don't know this man soon. और हो सकता है लड़की ये सोचती हो कि अगर मैंने ना करके ये लड़का जो है मुझे बंदूक से मारेगा. That is not a real love. ये जो है एक सच्ची मोहब्बत नहीं है. That is the love controlled by this man. और ये जो वो लव है वो मोहब्बत है जो शख्स के काबू में है. The girl doesn't have a space to choose the way. और लड़की के पास कोई रास्ता नहीं कि किस रास्ते का चुनाव करे. But in my Christian's life, लेकिन जो मेरी मसीही जिंदगी है, Jesus doesn't want to control your life. खुदा यीशु मसीह आपको इस तरह काबू नहीं करना चाहता. He doesn't want to make you fear your life. और आपकी जिंदगी में खौफदारी नहीं करना चाहता. The ways are two. रास्ते दो हैं. Whatever the way you want, you can choose from your heart. जो चाहते हैं आप रास्ता अपने दिल से चुन सकते हैं. Even God doesn't want to make you fear about you. ओ खुदा इसके बारे में आपको खौफजदा नहीं करना चाहता. God give you freedom to choose your life. खुदा आपको मुकम्मल आजादी देता है कि कौन सा रास्ता आपने चुनना है. Right, TBS here, Christians. बासियत है मसीही. We are toppling with the two ways. और हम दोनों तरफ जाओ वो उछलते कूदते रहते हैं. Might be it might be like a jealous. हो सकता है हसद की बुनियाद हो. Might be way of the adultery. हो सकता है जनाकारी की बुनियाद हो. Might be way of the liars. हो सकता है झूठ की बुनियाद हो. Might be way of the lust. हो सकता है ये जो है ख्वाहिश की बुनियाद हो. Something you give the preference to someone. और कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में ऐसा होता है कि आप खुदा के साथ दूसरों को भी दर्जा देते हैं. That is the way more preference than God. और खुदा से बढ़कर उन चीजों के पीछे भागते हैं. But those who are said to the people. लेकिन यीशु लोगों से कहता है, such a way you cannot continue the law. इस तरह का रास्ता जो है उसके साथ चलकर आप खुदा के साथ मतवा. You have your only one condition. You can choose this way or that way. आपके पास एक शब्द है कि आपको ये रास्ता चुनना है या वो रास्ता चुनना है. So even the Jesus when he was living in this world. और जब यीशु इस दुनिया के अंदर रहते थे. So one of the man came to the Jesus. एक जो शख्स यीशु मसीह के पास आता है. He was a rich man. वो बहुत अमीर आदमी था. He wanted to follow the word of the God. वो खुदा के कलाम की पैरवी करना चाहता था. He loved to follow the Jesus Christ. और यीशु मसीह से प्यार करना चाहता था. He loved the God. वो खुदा से प्यार करता था. He came to the Jesus. और यीशु के पास आया. He asked the Jesus. उसने यीशु से पूछा, What should I do to inherit the heaven? कि क्या मैं कैसे आसमान की बादशाही के अंदर जा सकता हूं? He said you have to follow the all the instructions. और उसने कहा तुम्हें वो सारी बातें मानना पड़ेगी. What he said, you don't want to be a liar. उसने कहा तुम झूठ छोड़ दो. यू डोंट वॉन्ट टू बी मर्डर. और फिर कत्ल नहीं करना. यू डू नॉट वॉन्ट टू द एडल्टरी. और फिर जना नहीं करना. यू हैव टू हॉनर योर फादर एंड मदर. और अपने माँ बाप की इज्जत करनी है. ऑल द थिंग्स जीसस सेड टू दिस मैन. और सारी बातें यीशु मसीह ने उसको समझा दी. बट दिस मैन ऑल्सो गुड मैन. वो आदमी एक बहुत अच्छा शख्स था. He said to the Jesus, यीशु से कहा, so from the childhood I follow these things. और मैं बचपन से इन सब चीजों को मानता आ रहा हूँ. Sometimes in our life also we have. कभी कभार हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है. When we comparing with the other people, some I am little bit better than others. और जब हम अपना मुआवजा दूसरों से करते हैं, हम समझते हैं कि हम लोग दूसरों से थोड़े अच्छे हैं. Some of the people they don't want to even go to the church. और कुछ लोग चर्च नहीं जाते. I just come to the church. लेकिन मैं चर्च में जाता हूँ. I just try to do some good things in my life. और मैं जिंदगी में अच्छी चीजें करना चाहता हूँ. I don't want to be murder someone. और मैं किसी का कत्ल भी नहीं करता. I don't want to cheat someone. और मैं किसी से धोखा नहीं करता. Something I do good things. कुछ ना कुछ मैं जरूर अच्छा करता हूं. Might be you have such a heart and follow the God. हो सकता है आपका दिल ऐसा और आप इस दिल से खुदा से प्यार करते हैं. Might be the rich man also have such a thought. और जो अमीर आदमी है उसकी सोच भी ऐसी है. So when he goes to the Jesus, he had the answer like that. और जब वो यीशु मसीह के पास जाता तो उन्हें इस तरह का जवाब मिलता है. When the Jesus asked these all commands you have to obey. और फिर यीशु मसीह ने कहा इन सब हुक्मों की पैरवी कर इनको मान. Might be he said happily I follow these all. और उसने बड़ी खुशी से कहा कि मैं सब चीजों को मानता हूं. But Jesus said to him, लेकिन यीशु मसीह उसे कहता है, Still you have the lack of one thing. लेकिन फिर भी एक चीज की तुझ के अंदर कमी है. Still you have the lack of something. कुछ तेरे अंदर कमी जरूर है. You have to leave these things also. और आपको इस चीज छोड़ वो कमी उसको छोड़ना पड़ेगा. Something you give more preference than God. और कुछ ऐसा है जिसको तू खुदा से बढ़कर दर्जा देता है. You have to come out from that activity. और उस चीज से बाहर आ जा तू. Might be as a believers you might have such a lack. हो सकता है बहसियत मसीही ईमानदार आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो. Unknowingly something control your mind. और कुछ ना कुछ ना जानते हुए आप ऐसा काम करते हैं. Unknowingly you give some preference more than God. और फिर ना जानते हो सकता है खुदा से उन चीजों को बढ़कर दर्जा देते हैं. God today ask with you. खुदा आज आपसे पूछता है. You have to choose only one way. आपको सिर्फ एक रास्ता चुनना पड़ेगा. Especially Jesus said to the people. और जो यीशु मसीह से कहता है वो. No one serve to the two masters. कहता है यीशु मसीह कहता है कि कोई भी दो मार्गों की खिदमत नहीं कर सकता. If you try to follow. अगर आप पैरवी करना चाहते Might हैं, be you are the one genuine to one master. हो सकता है एक जो मालिक है उसके साथ आप वफादार हो. Another man you try to cheat that another. और हो सकता है दूसरे के साथ आप चीटिंग कर रहे हो, धोखा कर रहे हैं. So what kind of the stance you are living right now you are there. और किस तो जगह पे आप खड़े हैं, आपका क्या मायार है. What the choice today you want to prepare in your life. आपके पास क्या चॉइस आज जिंदगी में, किसी को अगर so then even God created the Adam and you. खुदा ने आदम और हव्वा को बनाया. God told them follow the instruction of the God. और उसने उनसे कहा कि खुदा की जो हदायत पर चलो. Evil also come
try to control the life of the Adam. और फिर शैतान आता है ताकि वो आकर आदम की जिंदगी को चुरा ले. But Adam, he took the choice of the evil. लेकिन जो आदम है उसने बुराई का रास्ता चुन लिया. So what choice you want to take in your life? आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं? Today you have to take the decision. आज आपको फैसला करने की जरूरत है. So even Jeremiah 21:8 says. और जो यर्मिया 21 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है. He said to the people. उसने लोगों से कहा. Behold, I set before you. और देखो मैं तुमसे कहता हूँ. The way of the life and the way of the death. कि मैंने आप तुम्हारे सामने जिंदगी और मौत का रास्ता रख दिया है. Two way is there. दो रास्ते वहां पे मौजूद है. Jeremiah prophesied to the people. Prophecy to the people. उसने यर्मिया ने लोगों के लिए इस तरह की नबूवत की है. There are two way, the way of the life. उसने कहा जिंदगी का रास्ता भी है. Another one, the way of the death. और फिर मौत का रास्ता भी है. Which way you want to go? आप किस रास्ते पे चलना चाहते हैं? Jesus said to the people. यीशु मसीह लोगों से कहता है. I am the way. मैं रास्ता हूँ. I am the truth. और मैं सच्चाई हूँ. Jesus said to the people like that. यीशु मसीह लोगों से इस तरह कहता है. Jesus is the way. यीशु मसीह जो रास्ता है. He will also have the way. और फिर जो शैतान का रास्ता भी है. But if you choose the way of the Jesus Christ, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के रास्ते को चुनते हैं, okay, it should be narrow. तो फिर वहां पे जो रास्ता वो सुपड़ा है. It is not a broad way. वो जो बहुत खुला रास्ता नहीं है. It has some rules and regulations to follow. यहाँ पे कुछ असूल हैं इन चीजों को पैरवी करने के लिए. You cannot love by your own style. आप अपने तरीका से उससे प्यार नहीं कर सकते. You have to do some sacrifice. आपको कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी. The way of walking might be narrow. हो सकता है जिस रास्ते पे चलते वो तंग और सुपड़ा रास्ता है. It is not comfortable the way you go. वो जिस रास्ते पे चलेंगे वो आराम तलब नहीं है. It is not like a broad way. और ये खुला रास्ता नहीं है. Might be the which way you are going for right now. किस तरह के रास्ते पे चल रहे हैं? Might be you are going through a broad way. हो सकता है आप खुले रास्ते पे चलते हैं. Or else you are going the narrow. हो या आप तंग रास्ते में चलते हैं. Today this is the time to realize your life. ये आज आपके लिए मौका है अपनी जिंदगी में महसूस करने का. If you accept Jesus as your savior, अगर आप यीशु मसीह को अपना मुक्ति दाता तस्लीम करते हैं, from the deep of the heart, आप दिल की गहराई से, you have to be holy. आपको मुकद्दस होना पड़ेगा. You have to avoid the sin in your life. आपको पाप से दूर हटना पड़ेगा. You have to leave the lust. आपको बुरी ख्वाहिशें छोड़नी पड़ेगी. Such a way you have to choose. इस तरह का रास्ता जो आपको चुनाव करना पड़ेगा. Such a way God wants to take in your life. इस तरह का रास्ता खुदा आपसे चाहता है. So no need to cheat yourself. अपने आप से जो चीट मत करें. So you cannot cheat the Lord. आप खुदा से चीट नहीं कर सकते. You try to follow the God. कि आप खुदा की प्यारवी करें. Try to follow the worldly way also. और फिर दुनिया के रास्तों पर भी चलना शुरू करें. But it will not happen. ऐसा नहीं होगा. Might be you yourself give the judgment, I am the good. और हो सकता है आपकी अपनी जजमेंट हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ. But God watching everywhere. लेकिन खुदा हर जगह आपको God can justify you are the wrong. और खुदा आपको जस्टिफाई करता है कि आप गलत हो. I don't want to compel you. मैं आप जो है वो आपके ऊपर कोई काबू नहीं पाना चाहता. You are the sinner. You are the forefather of the Adam. और जो है वो अपने माँ बाप आदम से आप जो है गुनाहगार हो. You do not have any righteousness to follow my way. आपको जो है कोई रास्ताबाजी नहीं है कि मेरे रास्तों पे चलें. But I make a way for you. लेकिन मैंने आपके लिए एक रास्ता बना दिया है. For making the way, I just leave the kingdom of the heaven. उस रास्ता को बनाने के लिए मैंने आसमान की बादशाह छोड़ी है. I came to this earth. मैं जमीन पर आया. That is the reason I came to this earth. यही वजह थी कि मैं जमीन पर आया. You know, you are the way of the broad way. क्योंकि आप जो है खुले रास्ता पर थे. Your heart doesn't allow me to follow the God. और आपका जो दिल इस बात की इजाजत नहीं देता Your heart is fixed to follow the evil ways. क्योंकि आपका दिल इस बात पे फिक्स था कि आप जो है वो बुरी रास्तों पे चले. Because you are the generation of the Adam. क्योंकि आप आदम की नस्ल से थे. But God wants to give the new, open the new way for you. लेकिन खुदा ने आपके लिए एक नया रास्ता खोल दिया. That is why Jesus came to this world. इसलिए यीशु मसीह दुनिया के अंदर आता है. He shed his precious blood. और अपने वो अपना जो कीमती खून आपके लिए बहाता है. Making the way. God shed his blood. उसने रास्ता बनाने के लिए अपना खून आपके लिए बहा दिया है. He loves you from your heart. वो अपने दिल से आपसे प्यार करता है. Even the rich man, when Jesus spoke to this man, और जब यीशु मसीह ने उस अमीर शख्स से कहा, God, Jesus looked at the man. यीशु ने उस शख्स को देखा, and loved him, and said to this man. और उसे प्यार उस पर आया और उसे ये कह डाला, Might be you are also far away from the God. हो सकता है खुदा से थोड़े फासले पर हो. Still, God doesn't want to get angry with you. लेकिन फिर भी खुदा आपसे गुस्से इस बात पर नहीं. Still, he want to show the compassion for you. फिर भी आपके ऊपर वो अपना रहम और तरस दिखा जाता है. But the choice, he doesn't want to control the choice. इसलिए वो आपके जो रास्ते हैं जो चॉइस उनको कंट्रोल नहीं करता. But the choice you have to take. लेकिन चॉइस जो है आपका अपना फैसला है जिंदगी का. यू हैव टू फॉलो द सिन. कि आप गुनाह की पैरवी करना चाहते हैं. आर यू हैव टू फॉलो द वर्ड ऑफ द गॉड. या आप खुदा के कलाम की पैरवी करना चाहते हैं. व्हिच वे यू हैव टू टेक. कौन सा रास्ता आपने चुनना है. सो व्हाट दैट यू हैव टू टेक द डिसीजन टुडे. ये जो है आपको इस चीज के लिए आप फैसला करना पड़ेगा.
इवन फर्स्ट फर्स्ट पीटर 1:18 पहला पत्रस उसका पहला बार उसकी 18वीं आयत नोइंग दैट यू वेर नॉट रिडीम्ड फ्रॉम द यूज़लेस वे वे ऑफ लिविंग इनहेरिटेंस नॉट बाय द ट्रेडिशन ऑफ योर वेज कैन समबडी रीड इन उर्दू पहला बार पढ़ा ना फर्स्ट पीटर 1:18-19 क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई बल्कि एक बेऐब और बेदाग भरे यानी मसीह के बेश कीमत खून से आप अपने रास्तों से कभी भी निजात नहीं पा सकते जो आपके अबाउजदाद से जो रास्ते चले आ रहे हैं आप उन पे चल के आप आसमान की भाषा में नहीं जा सकते so many people they follow useless way और बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर है वो गलत रास्तों का चुनाव करते हैं If you ask that people, they will tell. अगर आप उन लोगों से सवाल करते हैं तो वो आपको बताएंगे दैट इज द वे ऑफ द ट्रेडिशनल के जो रस्म और रिवाज चल रहे हैं माय पेरेंट्स आर फॉलोइंग आई आल्सो फॉलो मेरे माँ बाप ऐसा करते थे मैं भी ऐसा करूंगा आई फादर इज ए क्राइस्ट दैट इज आई एम आल्सो क्रिश्चियन और मेरा फादर जो वो यीशु मसीह था इसलिए मैं क्रिश्चियन हूं आई एम माय फादर आर हिंदू मी आल्सो फॉलो दिस थिंग्स क्या मेरा जो बाप है वो हिंदू था इसलिए मैं इन चीजों के पैरवी करता हूं बट गॉड आस्क यू आई गिव यू अ चॉइस लेकिन खुदा आपसे कहता है कि मैंने आपको एक चॉइस दिया है बट द चॉइस यू हैव टू टेक दैट इज अ पर्सनल ये जो चॉइस है वो आपका जाती है आपका जाती फैसला है ऑन बिहाफ ऑफ यू योर पेरेंट्स डजंट टेक देयर चॉइस क्यों आप जो अपने माँ बाप की वजह से उस चॉइस को नहीं ले सकते दैट्स अ चॉइस 100% इट इज हैव इन योर हैंड ये जो चॉइस है आपका आपके हाथ के अंदर है 100% ओनली टू वे इज देयर दो रास्ते मौजूद हैं सो दैट इज व्हाट जोशुआ सेड टू द पीपल इसलिए यीशुआ लोगों से कहता है यू मस्ट गो एंड फॉर यू टू द लॉ क्योंकि वो जो है वो आपको खुदा के साथ जाना करीब आना पड़ेगा और इट्स मस्ट जस्ट गो अगेंस्ट द गॉड या फिर दूसरा रास्ता है कि खुदा से दूर चले जाओ व्हाटएवर द वे यू वांट टू लिव इन योर स्टाइल जस्ट लिव जो जिस रास्ता से चलकर आप जो लाइफस्टाइल चाहते हैं आप उसी पे चलो डू नॉट वांट टू चीट योरसेल्फ अपने आप उसके साथ धोखा मत करो जस्ट एंजॉय द वर्ल्ड इफ यू डोंट लाइक टू फॉलो द जीसस अगर आप यीशु मसीह की पैरवी नहीं करते तो दुनिया के साथ जाके मजे करो इफ यू एक्सेप्ट द गॉड एज योर सेवियर अगर यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मान चुके हो गॉड कैन ऑक्युपाई द फुल हार्ट तो फिर खुदा चाहता है कि आपके दिल मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ हो अलाउ द गॉड खुदा से को इजाजत दो दिस इज द हार्ट कंप्लीटली ऑक्युपाइड फ्रॉम यू ओनली के लिए मेरा दिल जो है मुकम्मल तौर पर तेरे कब्जे में होना चाहिए दिस हार्ट डजंट वांट टू गिव द स्पेस फॉर अदर थिंग्स इस दिल के अंदर दूसरी चीजों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए व्हाटएवर हैपन नॉट हैपन आई जस्ट गिव द चॉइस फॉर कुछ हो या ना हो मैंने सब कुछ खुदा यीशु मसीह को दे दिया यू आर इवन यू आर अनराइचियसनेस मैन हो सकता है आप जो है वो रास्तवाद शख्स नहीं है बट गॉड जीसस सेड टू यू टुडे लेकिन यीशु मसीह आज आपसे कहता है आई एम द वन गोइंग टू गिव द क्लॉथ ऑफ द राइचियसनेस कि मैं हूं जो आपको रास्तबाजी के कपड़े पहनाऊंगा यू आर नॉट डिजर्व टू हैव द राइचियसनेस आप इस काबिल नहीं के रास्तबाज कहला सकते बट यू आर रेडी टू फॉलो द जीसस जीसस लेकिन आप यीशु मसीह को आज अपनी जिंदगी से कबूल करने के लिए तैयार हैं सो आई क्लॉथ टू यू द होली थिंग्स इन योर तो फिर मैं आपकी जिंदगी के अंदर आपको मुकद्दस यानी रास्तबाजी कपड़े पहनाऊंगा सो इवन द प्रतिमा यू जो बर्तन माई है इवन ही हियर्ड द जीसस वाज गोइंग थ्रू द जेरिको उसने सुना कि यीशु मसीह जो है वो यरीहो को जा रहा है सो इन बिटवीन ही अंडरस्टूड उस दौरान वो समझ गया सन ऑफ द गॉड वेंट गोइंग थ्रू दिस वे कि खुदा का बेटा इस रास्ते से गुजर रहा है सो पीपल आर हैविंग टू मच कंफ्यूजन इन दिस वे और इस तरह का से लोग जो है वो बहुत इस बात से परेशान हुए देयर नॉट ओनली इन द प्रतिमे लाइक ए प्लेन मैन वो खाली एक अंधा शख्स नहीं था देयर आर सो मेनी प्लेन मैन प्लेन पीपल्स हु आर सिटिंग देयर उस जगह पर बहुत सारे लोग इस तरह के बैठे हुए बट एज सून एज प्रतिमे हर्ड दिस न्यूज जो ही बर्तलमाई ने उस खबर को अपने कान से सुना इमीडिएटली ही जस्ट कॉल्ड उसी वक्त उसने बुलाया सन ऑफ द गॉड हैव द मर्सी ऑन मी और उसने कहा खुदा के बेटे मुझ पर रहम सी एक्सेप्ट द जीसस एज़ ही सेड उसने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मान लिया ही डजंट गिव द प्रेफरेंस टू द अदर वे उसने किसी दूसरे रास्ते को कोई जिंदगी में अव्वल दर्जा नहीं दिया ही डजंट केयर व्हाट अदर पीपल थिंकिंग अबाउट मी उसने बिल्कुल परवाह नहीं की लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे ही डजंट थिंक हाउ पीपल आर सर्विंग टू द गॉड और उसने नहीं देखा लोग कैसे खुदा की पैरवी करते हैं उसकी खिदमत करते हैं बट ही इमीडिएटली कॉल उसने फौरन यीशु को बुला लिया ही जस्ट लुक द जीसस ओनली और उसने यीशु मसीह की तरफ देखा ही डजंट लुक द अदर पीपल उसने लोगों की तरफ नहीं देखा सो वी हैव टू बी हैव सच ए थॉट इन आवर लाइफ इस तरह की सोच हमारी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए सो एज अ बिलीवर सो मेनी टाइम्स वी हैड द कंफ्यूजन आल्सो और बहुत बार ऐसे ही थे ईमानदार हमारी जिंदगी में बहुत तरह की परेशानियां वी डोंट नो वी डोंट वांट टू सी द जीसस इन आवर लाइफ और फिर हम जिंदगी में यीशु मसीह को नहीं देखते यू आर लुकिंग फॉर
our way of others. और फिर हम दूसरे रास्तों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं. So might be you look at the pastors. हो सकता Might be look at the pastors. हो सकता है आप पास्टरों की तरफ देखते हो. Might be look at the worshippers. हो सकता है आप जो जो वर्शिपर उनको देखते हैं. So even the pastors are doing like that. और पास्टर भी इस तरह जब करते हैं. So then we I have to follow these things. और फिर मैं क्यों उस तरह करूं जैसे पास्टर. Because as a believers we are trying to follow the people of the pastors. और फिर बहसीते ईमानदार हम सिर्फ पास्टरों को फॉलो करेंगे. But never ever pastor can say I am the truth. और पास्टर नहीं कहते कि मैं सच्चा हूं. They cannot say I am the way. और नहीं कहते मैं रास्ता हूं. But Jesus himself said I am the way and the truth. लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं ही रास्ता हूं मैं ही सच्चाई हूं. Jesus is the way. यीशु मसीह रास्ता है. Other people could not make the way for you. और दूसरे लोग कोई भी आपके लिए रास्ता नहीं बना सकते. Jesus is the one he made the example for you. और यीशु मसीह आपके लिए जो आपके लिए मिसाल बना है. Jesus is the one teaching the humbleness for you. और यीशु मसीह वो है जिसने आपको फरोतनी की तालीम दी है. You try to follow the way of others. अगर आप दूसरे लोगों की पैरवी करना शुरू करेंगे then your destiny go to the wrong direction. फिर आपकी मंजिल जो है गलत सिमत. Even today, it is the time to realize. आज इस बात को महसूस करने की जरूरत है. You are undergoing on the road of the narrow. क्या आप तंग रास्ते पे चल रहे हैं? Or else you are going into the broad way. या आप जो है खुले रास्ते पे चल रहे हैं? Which direction you are going through? किस रास्ते पे किस सीमत में आप चल रहे हैं? Today, it is the time to choose the time. ये वक्त है आज इस बात का चुनाव करने के लिए. No need to postpone by tomorrow. तो कल का इंतजार मत कीजिए. Nobody knows what happened by tomorrow. कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है. Today is the last day to choose the way for you. आज आखिरी दिन है इस बात का इस रास्ते का तय करने के लिए. So many times we are wasting our time. बहुत बार हम जिंदगी में बहुत टाइम जो वेस्ट कर देते हैं. So we are wasting the time to go that direction and that direction. वही हम अपना वक्त जो है वो जाया करते हैं कि हम इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं. So you go 10 meters there. अगर आप 10 मीटर उस तरफ जाते हैं then change the direction, go to the 10 meter other side. और फिर दोबारा उस तरफ चले 10 मीटर उस तरफ चले. Nothing going to happen in the life. और जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है. So today as a Christian, as a believer, बहसीयत है ईमानदार बहसीयत है मसीही. Take the only one choice. आपको सिर्फ एक चुनाव करना पड़ेगा. Take the Jesus as a savior. यीशु मसीह जो वो मुक्ति दाता है. रिमूव द सिन फ्रॉम योर लाइफ. अपनी जिंदगी से गुनाहों को पीछे हटा. इवन यू आर अनडिजर्व टू फॉलो द गॉड. हो सकता है आप इस काबिल नहीं कि खुदा से प्यार कर सकें. एक्सेप्ट जीसस एज योर सेवियर. यीशु मसीह को अपना मुक्ति दाता कबूल करें. हिज ब्लड इज मोर देन एनफ टू मेक यू क्लीन. उसका जो लहू है वो आपको पाक करने के लिए काफी है. यू हैव द लॉक ऑफ सम सिन. हो सकता है आप जिंदगी के अंदर कुछ गुनाहों की कमी हो. यू कैन नॉट एबल टू लीव दिस पर्टिकुलर सिन. और फिर आप कुछ खास गुनाह ना करते हो. आस्क द गॉड ही विल गिव द स्ट्रेंथ टू हेट द सिन. तो फिर वो आपको इस बात के लिए कुवत देगा कि आप गुनाहों के खिलाफ लड़ सके. ही गिव यू पावर टू हेट द सिंस. वो आपको कुवत देगा कि आप गुनाहों से नफरत कर सके. ही क्लॉथ यू through this righteousness. तो फिर आपको वो रास्तबाज़ी के कपड़े पहनाएगा. That is the righteousness of cloth God has to give the each and every believer. ये जो ईमानदारी है ये जो रास्तबाज़ी है खुदा हर ईमानदार को देना चाहता है. That is the reason he came to the world. यही वजह है कि वो उस दुनिया के अंदर आया. That is the reason he shed this blood. और यही वजह है कि उसने अपने खून बहाया. So remove leave from the wicked ways. जो बुरे रास्ते हैं उनको छोड़ दें. So some of you go through the wrong directions. आप में से कुछ हैं जो गलत सीमत में चल रहे हैं. Might be go through the distraction in your life. उस जिंदगी में जो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं. But today you have to take the decision to take the choice in your life. आज आपको जिंदगी में फैसला करना पड़ेगा कि आपने किस बात का. Even some of you want to give the choice for the Jesus Christ. बहुत सारे लोग हैं जो इस बात का चॉइस रखते हैं यीशु मसीह को कबूल करें. Get up, we will pray for you. अपने कदमों पर आप सच्चे दिल से कबूल करना चाहते. I don't want to give the action to the people. मैं नहीं चाहता कि लोग जो एक्शन दिखाएं. From my deep heart, I give the choice for the Jesus. कि मैंने जो अपने दिल से मैं चाहता हूँ यीशु मसीह को कबूल करें. Such a heart, you want to give the make the choice for the Jesus. इस तरह का जो दिल है उसके अंदर आपका चॉइस होना चाहिए यीशु मसीह को कबूल करने के लिए. From the deep heart, just close your eyes, we will pray. अपने आप को बंद करके आपके लिए दुआ करें. Because God want to bring the changes in our life. खुद आपको खुद आपकी जिंदगी में तब्दीली लाना चाहता है. All the weakness God has to remove from your life. और खुद आपकी जिंदगी से तमाम बुराइयों को निकालना चाहता है. God has to want to cloth you from the righteousness. और खुद आपको रास्तबाजी के कपड़े पहनाना चाहता है. He wants to make you all the wicked things in your life. और खुदा आपकी जिंदगी से बुराइयों को बाहर निकालना. God going to fill everything with the holy things. खुदा आपकी जिंदगी के अंदर सब पाकीज़गी लेना चाहता है. You are the one going to make the testimony for other people. ताकि दूसरों के लिए गवाही का बायस बने. Jesus comes in your life like a witness. खुदा आपकी जिंदगी के अंदर से आप बुराई को निकालना चाहता है. थैंक यू जीसस. यीशु तेरा शुक्र हो. Whoever accept Jesus as your savior. जो कोई यीशु मसीह को कबूल करेगा मुक्तिदाता. Whoever make the choice for the Jesus Christ in their life. और जो अपनी जिंदगी के अंदर जो यीशु मसीह को अपने लिए चॉइस बनाएगा. God has to make them strength and power, Lord. खुदा उन्हें कुदरत अता कर. God has to give the strength to hate the sin. खुदा उन्हें कुदरत अता कर पावर ताकि वो गुनाह से नफरत कर सके. Help them to follow the way of the Jesus Christ. और खुदा उनकी मदद करता है यीशु के रास्तों पर चलते. Give them the power to follow the truth in their life. और खुदा उनकी मदद
का ताकि जिंदगी में सच्चाई से चल सके. Power of the adultery has to gone away from their life. और खुदा की जिंदगी से बदकारी चली जाए. God has to heal each and everyone from you. हर किसी को अपने खून से अपने बेटे के लहू से खुदा शिफा दे दे. Oh God has to beaten for us love. ओ खुदा तू तेरा बेटा हमारे लिए बीटा गया. So many symbols in our sins. हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे गुनाह हैं. Such a symbol hand has to heal the people. ओ खुदा इनको शफा पाकर. God has to remove all the sins in their life. ओ खुदा की जिंदगी से गुनाहों को निकाल. They are ready to give their life. शांति भर. God has to give them joy in their life. इनकी जिंदगी में खुशी और शादमानी ले. Make the way in their life. इनकी जिंदगी में रास्ते बना दे. We don't want to follow the way of the wicked ways, Lord. ओ खुदा ये बुरे रास्तों को छोड़ना चाहते हैं. Follow the truth. ओ खुदा ये सच्चाई की पैरवी करना चाहते हैं. थैंक यू जीसस. यीशु तेरा शुक्र. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. यीशु मसीह के नाम में. आमीन. आमीन.